नमस्कार, दृष्टि हरियाणा में आपका स्वागत है। कल खरखोदा उपमंडल के सभी गेहूं खरीद केंद्रों पर नहीं होगी खरीद। खरखोदा के साथ लगती सभी सीमाएं हैं सील, फिर भी खुला है एक रास्ता। आइए अब खबर विस्तार से। खरखोदा मार्केट कमेटी सचिव ज्योति मोर ने खरखोदा उपमंडल के सभी किसानों के लिए एक संदेश देते हुए बताया कि सिर्फ कल 29 अप्रैल यानी बुधवार को खरखोदा अनाज मंडी सेंटर व खरखोदा में गेहूं खरीद के लिए जितने भी खरीद केंद्र बनाए गए हैं उनमें कल गेहूं की लिफ्टिंग होने के कारण किसी भी किसान के गेहूं की खरीद नहीं की जाएगी, ताकि जो अनाज मंडी में और गेहूं आए इसके लिए स्थान मिल सके। अगले दिन से गेहूं की खरीद सुचारू रूप से की जाएगी। इसके अलावा सचिव ज्योति ने बताया कि अब रोजाना 50 किसान सुबह और 50 किसानों की शाम के समय गेहूं की। आइए जानते हैं मार्केट सचिव ज्योति मोर का क्या कहना है। मैं सचिव मार्केट कमेटी खरखोदा सभी किसानों से अपील करती हूँ कि कल अपना अनाज लेकर मंडी परिसर में ना आए, क्योंकि कल का दिन हमने मार्केट कमेटी के परिसर अनाज मंडी परिसर में जो गेहूँ रखा है उसकी कल लिफ्टिंग कराई जाएगी, जिससे कि आपको उचित स्थान गेहूँ गिरने के लिए अगले दिन का उचित स्थान प्राप्त हो सके। एक अन्य खबर में खरखोदा थाना पुलिस ने सभी बोर्डरों को किया है सील। नमस्कार, दृष्टि हरियाणा में आपका स्वागत है। जैसा हम सभी को पता है, पिछले कई दिनों से सोनीपत ज़िले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ी है। इसी के मद्देनज़र सोनीपत जिला प्रशासन ने सख्ती का रुख अख्तियार किया है। इसी सख्ती के रुख को अख्तियार करते हुए खरखोदा थाना प्रभारी खरखोदा उपमंडल के साथ लगती हुई दिल्ली की सभी सीमाओं को पूर्णतः सील कर दिया है। उन्होंने खरखोदा उपमंडल के साथ लगती दिल्ली की सभी सीमाओं को, कच्चे या पक्के रास्तों को सभी को बंद कर दिया है। लेकिन सभी सीमाओं को सील करते हुए अपने क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक रास्ता खोला है, जिसमें ज़रूरी सामान आने जाने के लिए व्यवस्था की गई है। खरखोदा उपमंडल के साथ दिल्ली के करीबन 12 से 15 कच्चे रास्ते लगते हैं, जिनका गहन अध्ययन करने के बाद थाना प्रभारी ने सभी रास्तों को पूर्णतः बंद कर दिया है। लेकिन दिल्ली जाने के लिए जो मेन रास्ता है खरखोदा से ओचंदी बॉर्डर तक, जो मेन स्टेट हाईवे है, उसको ज़रूरी सामानों के लिए खुला रखा है। थाना प्रभारी जसबीर सिंह ने बताया कि कोरोना खरखोदा में ना आए, इसके लिए जितने भी कच्चे पक्के रास्ते थे सभी को बंद किया गया है, और ज़रूरी सामानों की आपूर्ति बाधित ना हो इसके लिए जो मेन रास्ता है खरखोदा से ओचंदी बॉर्डर, उसको खुला रखा गया है। आइए जानते हैं इस बारे में खरखोदा थाना प्रभारी इंस्पेक्टर जसबीर सिंह का क्या कहना है। दिल्ली से खरखोदा की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं पुलिस द्वारा, क्या है पूरा मामला?
ये खरखोदा थाने के दिल्ली से लगते कच्चे पक्के रास्ता करीब 12 है, जिसमें हम कल से एक रास्ते को छोड़ के उचंदी बॉर्डर वाले बाकी की खुदाई करवा रहे हैं या उन पर पत्थर डलवा रहे हैं। सभी रास्ते बंद कर देंगे, बिल्कुल सील कर देंगे। किस तरह की संभावनाएं देखी जा रही थी, जैसे एक मुलाजिम था हरियाणा पुलिस का, वो भी पॉजिटिव पाया गया है, उसके एहतियात के तौर पे ये रास्ते बंद किए गए हैं या कुछ और वजह? ये प्रशासन का आदेश था, क्योंकि ज़्यादातर मामले हमारे एरिया में दिल्ली से ही आए हुए, इसलिए हम सभी रास्तों को बंद करवा। सर, बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य कर्मी या पुलिस कर्मी जो दूसरी स्टेट से है या दूसरे ये अपने जिले से है, उनको भी एंट्री नहीं करने दी जाएगी, ऐसा कुछ मामला? ये अभी प्रशासन की तरफ से आदेश है, कोई भी कर्मचारी हेल्थ का हो, पुलिस का हो या किसी भी डिपार्टमेंट का हो, किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जाएगा या जाने दिया जाएगा। किन किन रास्तों में इन बंदों को एंट्री नहीं करने दी जाएगी, जैसे स्वास्थ्य कर्मी है या पुलिस कर्मी है? जो हमारे थाना खरखोदा के एरिया में दिल्ली से लगते हैं, उन सभी में इनकी एंट्री नहीं।